अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 64 है। अगर मैं रिकैप की बात करूँ तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास एट्रीब्यूट और आईजी एट्रीब्यूट को एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज़ करके देखा था और उसका रिजल्ट चेक किया था। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे आईजी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए और वहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड को भी यूज़ करेंगे। तो जो हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया था उसको तो फिलहाल हम करते हैं यहाँ से रिमूव, ठीक है। और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग चेंज कर देते हैं आज के इस प्रोग्राम की। आज के इस प्रोग्राम की हमारी हेडिंग है एक्सेस एलिमेंट, एक्सेस एलिमेंट यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत कोड जो है वो आज की इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। तो ब्राउज़र कर लेते हैं रिफ्रेश और आज की हेडिंग हमारे सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का कोड भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग वन दी है और उसको मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी माय हेडर, और इस हेडिंग वन में पर मैं चाहती हूँ क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो हम इसका रिज़ल्ट पहले चेक करते हैं। देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को चेंज करना चाहूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कुछ इस टाइप का यहाँ पर बटन हो कि जब मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है वो किसी और टेक्स्ट में चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले लाजमी सी बात है, मुझे बटन चाहिए। तो बटन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने बटन का टैग दिया है और उस बटन को मैं रिस्पॉन्सिव बनाना चाहती हूँ, मतलब कि वो क्लिकेबल हो। ऐसे ही बटन नहीं चाहिए मुझे, उसके ऊपर जब क्लिक करें तो कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैंने दिया है ऑन क्लिक इज़ इक्वल्स टू, मुझे डिस्प्ले रिजल्ट का मेथड यहाँ पर मैंने ऐड किया है, ठीक है। जब उसके ऊपर क्लिक किया जाए तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर अच्छा, पहले बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो क्या लिखा हुआ आएगा, चेंज टेक्स्ट। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने बटन बना हुआ आया। रिफ़्रेश करते हैं और चेंज टेक्स्ट का बटन हमारे पास आ गया। अच्छा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो अभी कोई भी एक्शन हमारे सामने परफॉर्म नहीं हो रहा। तो जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और मैं चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए, उसके लिए मुझे किस टाइप से कोडिंग करनी पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं। बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। एक मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग मैंने यहाँ पर ओपन किया है और साथ में मैंने इसको यहाँ पर क्लोज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक, आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन ऐड किया है डिस्प्ले रिजल्ट का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और मेथड ऐड किया है इसके अंदर, ब्रैक यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किए हैं, उसके अंदर मैंने एक यहाँ पर मेथड दिया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं चाहती हूँ कि उस आईडी के थ्रू, अच्छा यहाँ पर जो गेट एलिमेंट बाय आईडी हम कर रहे हैं वो किस चीज़ को कर रहे हैं, माय हेडर को, हेलो वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं हम। तो हेलो वर्ल्ड की आईडी क्या थी हमारे पास, माय हेडर, वो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दी, डॉट इनर एचटीएमएल। मैं चाहती हूँ जब हेलो वर्ल्ड, सॉरी, जब हमारे पास बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो हेलो वर्ल्ड चेंज होकर क्या लिखा हुआ है, हैव अ नाइस डे। तो हैव अ नाइस डे हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे दिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किए, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज किया। इसको करते हैं सेव और देखते हैं क्या हमारा बटन रेस्पॉन्सिव बना है। अच्छा, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं आया, रिफ्रेश किया, हमें बाज़ाहिर तो सेम ही रिजल्ट लग रहा है, लेकिन जब हम चेंज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं हैव अ नाइस डे हमारे सामने जो टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। इस तरह से आप डिफरेंट बटन्स को अपने वेब पेजेस के ऊपर, अपने वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और उनको जो है वो स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके अपने बटन्स को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं और जिस टाइप का रिस्पॉन्स आप देना चाहें उस टाइप से कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक सिंपल से एग्जाम्पल देखी थी, उम्मीद करती हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।